उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। चंडीगढ़ को 33,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मिलेगी। 18 से लेकर 44 के लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए एक कोटा भी निर्धारित कर दिया गया है। 15 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं, कुलवीर। कुलवीर, इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, चंडीगढ़ में क्योंकि 18 से 44 साल का जो अभियान था एज ग्रुप का, वो उसकी वैक्सीनेशन जो है अभी शुरू नहीं हुई, और आज शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि 33,000 जो वैक्सीन की डोज हैं वो चंडीगढ़ को मिल जाएंगे। लिहाजा 15 मई से ये जानकारी दी जा रही है कि ये अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। और क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, लिहाजा यहाँ पंजाब और हरियाणा से काफी ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा में कोरोना का जिस तरह से कहर बरप रहा है, तो उसका असर चंडीगढ़ में भी देखा जा सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी लगातार मामले जो है वो कोरोना के बढ़े हुए हैं। तो ये राहत की खबर होगी चंडीगढ़ के लोगों के लिए कि जो वैक्सीन है वो आज शाम तक चंडीगढ़ पहुंचने की संभावना है। कुलवीर, एक और आपसे जानना चाहते हैं जानकारी, इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कितनी डोज है? देखिए, फिलहाल पूरी जो डिटेल जानकारी है वो प्रशासन ने अभी मुहैया नहीं करवाई, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आज शाम तक वैक्सीन जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, और जो 18 से 44 साल वाला आयु वर्ग वाला जो अभियान है टीकाकरण का, वो 15 मई से शुरू हो जाएगा। चलिए कुलवीर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, 18 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए